खतरे में सांप। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम वंदना गुप्ता है और मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। उसका नाम है खतरे में सांप। एक समय की बात है बच्चों, एक घना जंगल था। उसमें ढेर सारे अलग अलग छोटे बड़े खतरनाक अलग अलग तरीके के जानवर रहते थे। उसमें कौन कौन रहता था? उसमें रहता था एक तेंदुआ, और कौन था? एक भेड़िया, उसमें रहता था एक दरियाई घोड़ा, बहुत मोटा था। ऐसे एक बहुत लंबा जानवर जिसको आप सब जानते हो, वो है हमारा कौन? वो था हमारा जिराफ। ऐसे ये हमारे अलग अलग तरीके के जानवर, और एक जानवर जिसके बिना तो जंगल बच्चों पूरा होता ही नहीं, वो है हमारा हाथी। है ना, ये सब अलग अलग जानवर रहते थे, और पेड़ पर एक बंदर उन्हें रोज देखता था। जो पेड़ पर बैठा बंदर उन्हें रोज देखता था कि इस समय से जानवर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। एक दिन सारे जानवर इकट्ठे हुए और सब बैठ के बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे? कि भाई हमारे ऊपर जब हमारी जान पर कोई संकट आ जाए, कोई खतरा आ जाए, तो हमें करना क्या चाहिए। ये सुनकर सबने अपनी अपनी राय रखी। कोई बोला, अब उसमें से एक सांप था तो वो बोला कि भी क्या करना चाहिए, मैं तो वहां से ना चला जाता हूँ। ऐसे ही वहां बैठा जो भेड़िया था उसने भी यही कहा। उसने कहा, मैं तो जब मुझे खतरा लगता है तो मैं अपनी मांद में चला जाता हूँ। वहां से एक चिड़िया गुजर रही थी, उसने भी सुनी तो वो बोली, भाई मेरे ऊपर जब खतरा आता है ना, तो मैं तो एक डाल से दूसरी डाल के अंदर जाके छुप जाती हूँ। ये सुन के सब जानवर ने कहा, हाँ भाई ये तो बहुत सही बात है, हमें अपनी जान किसी तरीके से तो बचानी है। वहीं पास में तालाब में एक कौन बैठे था, एक था बहुत छोटा सा कछुआ, और कछुए ने अपनी गर्दन कभी इधर कभी उधर ऐसे घुमाते हुए ध्यान से सुनी बात और बोला, अरे वाह भाई। उसने कहा, भाई मैं तो कहीं इतना छोटा हूँ ना, और मैं जल्दी जल्दी भाग भी नहीं सकता, तो मैं तो अपने इस खोल में ही अपनी गर्दन छुपा लेता हूँ, जिसके कारण कोई भी मुझे मार नहीं सकता। ये बात जब जानवरों ने सुनी, अपने अपने तरीके बताया, तो आपने सुना ना कि भेड़िए ने क्या बताया, तेंदुआ है कि भाई मैं तो अगर खतरा लगता है तो मैं अपनी मांद में चला जाता हूँ। तो बच्चों, जब ना उन लोगों ने सबने अपने मन की बात बता दी कि हमें खतरे के समय कैसे अपना बचाव करना चाहिए, तब ये बात सुनकर बंदर एकदम से आया और बोला कि मुझे तो लगता है सबकी बात सुनकर कि जब हमारे सिर पर खतरा आता है तो हमें अपने सिर पर पैर रखकर सरपट भाग जाना चाहिए। बंदर की बात सुनकर सब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जब सब लोग चले गए तो वहां बैठा सांप अपने साथी से बात करने लगा कि भाई सर पर पैर रखकर कैसे भाग सकते हैं हम, भला हमारे तो पैर ही नहीं है। और वो दोनों वहीं बैठे बैठे ये बात सोचने लगे। लेकिन बच्चों, आपको समझ आ रहा है क्या हमारा जो बंदर बताकर गया, बंदर क्या कहना चाहता था? लेकिन बंदर की बात मुझे लगता है बच्चों कि सांप को समझ ही नहीं आई। लेकिन पेड़ पर बैठे बंदर ने देखा कि ये सांप तो अपने घर गए ही नहीं है, तो उसने पेड़ पर बैठे ही जोर से आवाज लगाई, अरे ओ सांप भाई। तो जब बंदर की आवाज सुन के सांप दोनों के दोनों
उसकी तरफ देखने लगे और बोले, भाई हमें तो समझ ही नहीं आया कि हमारे तो पैर है नहीं, तो हम अपने सिर पर पैर रख के भला कैसे भागेंगे। ये बात सुनकर बच्चों बंदर जोर से हंसा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पैर नहीं होंगे वो भागेगा नहीं, वो भी भागेगा, लेकिन कैसे भागेगा, सरपट। भाई तुम रेंग सकते हो, क्योंकि सांप तो बच्चों रेंग के चलता है ना, तो अगर तुम रेंग सकते हो तो आराम आराम से नहीं, जब खतरा आता है तो हमें सरपट भागना चाहिए। जैसे कि जब बच्चों आपके ऊपर कोई खतरा आता है तो आप भी वहां से निकल जाते हो, छुप जाते हो, या अपने माता पिता को जाकर दौड़ कर बताते हो। ऐसे ही बच्चों हमें अपनी जान बचाने के लिए सरपट भागना है, और वो भी सिर पर पैर रख के। इस कहानी का ये मतलब था। तो अब इसमें एक चीज बताइए कि जब सारे जानवर अपने घर चले गए तो ये सांप वहां पर क्यों बैठे रह गए। बच्चों अगर आप वहां होते तो आप सांप को क्या सलाह देते, सोचिए और हमें जरूर बताइए। वैसे बच्चों आपको तो जरूर समझ आ गया होगा सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ, तो हमें जरूर लिखकर बताना। बच्चों अभी आपने देखा कहानी के अंदर कि कितने तरीके के जानवर थे और उनके पैर थे, और वो सिर पर पैर रख के भागने का मतलब समझा पाए। लेकिन जो हमारा सांप था उसके अगर पैर नहीं है, ऐसे कुछ और जानवर आप जानते हैं जिनके पैर नहीं होते और वो भी सरपट सरपट भाग सकते हैं? जंगल। बच्चों अभी आपने कहानी सुनी और बहुत से जानवरों के बारे में जाना, तो आपको पता है कौन सा जानवर कहाँ रहता है? आपकी किताब में एक चित्र भी बना हुआ है, तो आइए हम जानते हैं कुछ जानवरों के बारे में कौन कहाँ रहता है। चित्र में क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन से जानवर हैं, कौन क्या कर रहा है, आपने इनमें से कौन कौन से जानवर देखे हैं, कहाँ देखे, इस पृष्ठ पर जंगल का एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें शेर की गुफा है, सांप का घर है, तालाब है, बंदर का एक पेड़ है और बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। कंगारू अपने बच्चे को अपने पेट की थैली में छुपाए हुए बैठा है। मछली पानी में गोते लगा रही है। कछुआ तालाब के किनारे बैठा है। जिराफ भी तालाब के किनारे बैठा हुआ है। शेर की पीठ पर एक चिड़िया बैठी है। शेर गुर्रा रहा है। एक तोता उड़ता हुआ जा रहा है। पेड़ की डाल से सांप लिपटा है। के नीचे हाथी बैठा हुआ है। एक बंदर भी सोच की मुद्रा में बैठा है।
और एक चूहा नदी के किनारे बैठा हुआ है। बच्चों, आज आपने खतरे में सांप की कहानी सुनी। आपने जाना कि जंगल में जानवर कहाँ रहते हैं, जैसे कि शेर, शेर रहता है गुफा में, बंदर पेड़ पर, और मछली कछुआ पानी में। ऐसे ही आप अपने घर के आसपास जो जानवर हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, ये सब जानवर कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, आप इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। और जब हम अगली बार मिलेंगे ना, आपने इनके बारे में क्या जाना आप मुझे बताना। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए। Yeah.